मुख्यमंत्री योगी ने प्रयागराज जिले के लूकरगंज में अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई भूमि पर बने पीएम आवास का लोकार्पण किया। आज मुख्यमंत्री ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर आवास का लोकार्पण किया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल लीडर रोड पर औपचारिक रूप से लाभार्थियों को चाबी सौंपी। मुख्यमंत्री योगी ने माफिया के कब्जे से मुक्त भूमि पर दुर्बल आय वर्ग हेतु निर्मित 76 आवासों का चाबी वितरण के साथ 768 करोड़ की 226 विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने भय मुक्त यूपी का संदेश भी दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लूकरगंज में लगभग 1731 वर्ग मीटर जमीन माफिया अतीक अहमद के कब्जे में थी। शिकायत होने पर जांच हुई तो सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया। जमीन को माफिया के कब्जे से मुक्त कराया गया। इसके बाद निर्णय लिया गया कि इस जमीन पर गरीबों का घर बनेगा। वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री ने खुद गरीबों के घर की आधारशिला रखी थी। तेजी से निर्माण कार्य शुरू कराया गया और अब इस जमीन पर 4-4 मंजिला के 2 ब्लॉक बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसमें 76 फ्लैट बनाए गए हैं। इसके लिए लॉटरी निकाली जा चुकी है। आज इन लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से चाबी सौंपी तो सभी के चेहरे खिल उठे। इस हाउसिंग स्कीम के निर्माण में 5,68,00,000 रुपए खर्च हुए हैं। 2 कमरे के फ्लैट की लागत लगभग 7,50,000 रुपए आई है। लाभार्थियों को मात्र 3,50,000 रुपए के आसान किस्तों में देने हैं। शेष धनराशि भारत सरकार और पीडीए 1.5-1.5 लाख तो वहीं प्रदेश सरकार ने 1,00,000 रुपए का अनुदान दिया है। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।